की पब्लिक से मेरा सवाल है, जी दो लड़कियां अगर काले ड्रेस पहन के फेमस हो सकती है तो दो लड़के क्यों नहीं हो सकते? दुर्गा बाबा टेकड़ी और काफी ऐतिहासिक सफर था, खतरनाक भाई। भाई को ऐसा दिख रहा है एकदम डिजर्ट में, खाली सफारी में चला गया जैसा दिख रहा हूँ। क्यों आए टेकड़ी? क्या टेकड़ी बोलते तो चढ़ाओ को। अच्छा पहाड़ को बोलते क्या? चढ़ाओ चढ़ाओ। और ये पहाड़ चढ़ना है अब हमारे को, आप देख सकते हैं पीछे कितना बड़ा पहाड़ है। छोटा है, छोटा है। पहले तो गर्मी की धूप है, बिना पानी के आगे से आएगी मैं पहाड़ों में। और ये देख सकते हैं आप, पहली बार जिंदगी में किसी को मैंने स्लीपर पहन के ट्रेकिंग करते हुए देखा। अचानक वाला प्लान है, अचानक प्लान नहीं था ये। और देखिए फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं। और ये आपको मैं बताता हूँ एक शॉट, सुनहरी महल का ऊपर से कैसा दिखता है। सुनहरी महल दिख रहा ऊपर से, मैं स्लीपर पहन के आया हूँ, एक्सेप्ट करता। पर ये कौन से शूज है, कौन से शूज में ट्रैकिंग कर रहा है बंदा? शूज तो कोई भी चलते ट्रैकिंग को, लेकिन ये जींस पहन के ट्रैकिंग पहली बार कर रहे हैं। लेकिन बोल देना नया ट्रेंड आ रहे हैं, मॉडर्न ट्रेंड कैसा है, मॉडर्न ट्रैकिंग है। तो हम करें तो अब सब जींस में ट्रैकिंग करेंगे। देखो लोग लंगे पैर भी ट्रैकिंग कर रहे हैं यहाँ पे पीछे से, देखिए आप। अरे देख सकते हैं आप इंतजाम स्लीपर में स्लीप होते हुए, मशक्कतों से चढ़ रहे हैं काफी। ये जो ट्रेनिंग मिली कुल में जिनकी उर्फियत पांडु थी, उन्होंने काफी मशक्कतों से इनको सीटी के रस्सी से मार मार के ये चीज सिखाए कि किस इधर आ इधर। तो ये जोक सा पार्ट का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन बता रहे हम पूरी मार दे रहे भाई, और बाद में बोल रहे कि नहीं उड़ाते। क्लासमेट्स को हमारी पुरानी यादें ताजा करने के लिए हमने बताया कि बिल्कुल इसी तरीके से चल रहे जिस तरीके से पांडु चढ़ा करता था, पीछे ऊपर तक चढ़ा लेता घुटनों तक, उस तरीके से चढ़ के ट्रेकिंग की जा रही है हमारी भाई। ये देखिए आप, और ये पैरा एकदम काले बिल्कुल। हमारे भाई चढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी चंबर क्लीन करके मित्र भी इंसान होता है यार बॉस, असली सुपर हीरो तो वही लोग है। सही है ब्रो, हम मित्र बोल रहे हैं, ये लोग हमारी गंदगी साफ नहीं करेंगे तो कौन होगा? तो असली तो सुपर हीरो वही है यार। इंडिया की पब्लिक से मेरा सवाल है जी, दो लड़कियां अगर काले ड्रेस पहन के फेमस हो सकती है तो दो लड़के क्यों नहीं हो सकते? लड़कों में बताने के लिए कुछ नहीं है ऐसा बोलते हैं लोग। दिखाएंगे ना भाई, हम दिखा देंगे।
हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास बोल बच्चन है, हमारे पास हमारी जबान है, यही काफी। बुरहानी से सबसे ज्यादा मोहब्बत हम लोग करते हैं क्योंकि इसकी निशानी ये है कि सबसे ज्यादा हम लोग टीचर्स को याद करते रहते हैं कि टीचर्स ने हमारी जिंदगी किस तरीके से खराब बुरा बहुत काबिल बनाया हमारे को। आप देख सकते हैं कि गर्मी में पहाड़ चढ़ने के बाद क्या हाल होता है कि इंसान खाली बॉटलों को भी देख देख के ये ढूंढ रहा है कि खतरा पानी मिले। अभी पानी बोल के पीने वाले थे ये लोग, जो प्लास्टिक जो वेस्ट यहाँ पे फेंक रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, ये टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो ये गंदगी फैला रहे। देखो यहाँ पर इसको बैन करो। ये बैन करने के लिए हमारे आमदार साहब ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, ये बैन करो, बैन के तंबाकू मुक्त औरंगाबाद कैंपेन चल रहा है इम्तियाज जलील साहब की तरफ से। भाई मैं कचरा चुनने वाला नहीं हूँ, मैं तो समझेंगे तुम कचरा चुन रहा हो, बता रहा हूँ मैं, बैन करो। थोड़े दिन पहले कुछ यहाँ पे औरंगाबाद के स्टूडेंट्स आए थे जिसने गोगा बाबा पे आके पूरा यहाँ का कचरा साफ करके गए थे। एक बहुत अच्छा कैंपेन चलाए थे जिसके अंदर छुट्टी के दिन आके यहाँ पे पूरे बच्चों ने यहाँ पे सफाई किए थे। सल्यूट है उन लोग के लिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताना चाहूंगा कि यार ये इस तरीके से मत करो यार, यहाँ पे आ रहे हो आप लोग पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो यहाँ पे आके गंदगी मत करो यार, बाद में चढ़ने वालों को प्रॉब्लम होती है। वापस अपने बैग में, बस्ते में, दफ्तर में डालकर लेके जाओ, नीचे लेके जाओ। आप लोग इंडिया में है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है, अगर बाहर होते तो इसके लिए आपको फाइन भरना पड़ता। वो जल्दी आपको बाहर का ब्लॉग भी बताएं। बच्चे हगली है बात, जो पेम्पर रहता है, मेरे कई सारे कजिन से भाई तो बता रहे थे कि पेम्पर में कितनी भी सड़ी बो क्यों नहीं आती, और पेम्पर्स पूरे उठा के रखना पड़ता है, गाड़ी के अंदर हो तो गाड़ी में जमा करके रखना पड़ता है या फिर पर्स के अंदर जमा करके रखना पड़ता है, और जब एक जगह मिलती है डस्टबिन वहां डाल दे। और हमारे पुट्टे को बचपना याद आ रहा है, डी पहन के फूल खिला। ये बॉटल इस चीज का प्रूफ है कि लोग ऊपर आने के बाद लोगों का पिस्टन काम करना बंद कर देता है और ऑयल की जरूरत पड़ सकती है। तो ये ऑयल का डब्बा ऊपर पाया गया, मतलब यहाँ पे किसी ना किसी का पिस्टन खराब हुआ था और यहाँ तक लेके आया। एक बार आप देख सकते हैं व्यू कैसा दिख रहा है यहाँ से, बेहतरीन ये किराक व्यू मिलते हुए। और पहुंच गए गोगा बाबा तेगड़ी, ये देख सकते हैं आप, अभी इतना पहाड़ चढ़ना बाकी है। वो देखिए महाराज ऊपर चढ़ रहे हैं, अरे बंदा यहीं पे सेलिब्रेशन मना रहा है। ये जो बंदा ऊपर हाथ हिला रहा है तो आप इसका एक प्रैंक देख सकते हैं MH20 पे जाके, साइको प्रैंक, जो के लहंगा पहन के भाई ने साइको प्रैंक बनाए। हाथ दो, नहीं हाथ तो मेरे को चाहिए तुम्हारे भाभी। सीन है वो दाड़। पर सीन ऐसा है, मैं हाथ मांग रहा हूँ ऊपर चढ़ने के लिए लेकिन पूरे पुट्टे हाथ दे के चल जा रहे हैं। पॉइंट है वो दाड़। यकीनन वो पुट्टी भी देख रही होंगी जो मेरे को हाथ दी, पड़ा उसको भी एक दिन हाथ मिलेगा। हाँ इसको भी दिए भाई एक ने हाथ, बोले तो बच्चों ने हाथ दिए लेकिन ये समझ रहे थे कि ये हम लोग को अकेला छोड़ देंगे, लेकिन हम दोनों भाई एक दूसरे को हाथ देके पूरी लाइफ काट सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गए 377 नहीं है, आप डरो मत 377 बोल के, ये मोहब्बत है भाई होगी। ये देख सकते हैं आप पाइप की व्यवस्था की गई है, शायद ऊपर जो मंदिर है मंदिर में पानी की जरूरत होगी तो इसलिए शायद कनेक्शन गया है, पता नहीं ऊपर जाके मालूम पड़े। ये देख सकते हैं आप, मेरे को ऐसा फील आ रहा है ये इधर झाड़ इधर पहाड़ बीच में रास्ता टेंपल रन खेल रहा हूँ मैं। ओहो आप व्यू देख सकते हैं माशाल्लाह। ये देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आप पूरे घर देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स बने हैं, तो हम कुछ साल पहले आते थे तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे। और आप लोग को ये भी दिखेगा कि ये नीला क्या है, ये समंदर है शायद, समंदर नहीं है ये ग्राउंड है। ग्राउंड बास्केटबॉल का, मतलब इससे पता चलता है कि हर नीली दिखने वाली चीज समंदर नहीं होती। वो दाट मेरा भाई, वो दाट हार्ड हार्ड बोल रहे भाई, लेकिन हमारे पैरा हार्ड हो गए चल चल के, अभी तक वो पहाड़ खत्म नहीं हुआ। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बॉटल, और यहाँ पे खड़े हमारे दोस्त इंजमाम। इंजमाम आप क्या लगा रहे हो, एम लगा के मार रहे क्या उसको? नहीं, नेम लगा के मार रहा। नेम लगा के ये क्या है? नेम बोले तो अच्छा, ये शायद ये औरंगाबाद वाले समझ सकते है कि एम को नेम क्यों बोलते है। ओ माय गॉड, और ये बच्चा जो है अफरीदी, बूम बूम अफरीदी, लेकिन हम बोलेंगे विराट कोहली। व्यू है बेहतरीन व्यू, ये आ रहा है ऊपर से व्यू, ऊपर से आएगा ना, नीचे से तो नहीं आएगा। आप लोग पानी के बॉटल्स देख रहे थे जो कि लोग ऊपर पीने के लिए पानी लेके आते थे, अभी एक और एक चीज़ दिखी नहीं, हिंदुस्तान का सबसे पुराना बिस्किट पार्ले जी, एक रुपये वाला नहीं रे भाई, दो रुपये वाला, दो रुपया। हाँ महंगाई बढ़ गई मोदी जी आने के बाद। और आप देख सकते हैं 7 बिस्किट आते हैं इसके अंदर,
और लोग ऊपर बिस्किट भी लेके आके खाते खाते हैं, लेकिन साथ में पता नहीं कचरा क्यों नहीं लेके जाते। पॉइंट है, पॉइंट है। लोग बोल रहे होंगे कि बंदा बस गंदगी 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 क्यों बता रहा है, तो पहले तो पहली सबसे पहली चीज इम्पोर्टेंट कि मेरा नाम फैसल इमरान है, इनका नाम इंजमाम है, और हमारे पास सफाई जो है आधा ईमान बोला जाता है। अब कमेंट करने वाले ये भी बोलेंगे कि मियाँ भाई के बातें कर रहा गले में हेडफोन डाल के, तो बोलने वाले बोलते रहते, मेरे को फर्क नहीं पड़ता बोलने वालों से। हाँ, सेकंड, ये बार बार सफाई सफाई गंदगी क्यों बता रहा है, तो पूछना है तो यार लोगों से भी पूछो सवाल जाके कि क्यों कॉफ़ी बता रहे हो, क्यों कॉफ़ी कॉफ़ी डेली बता रहे हो। उनके तो व्लॉग देखते हो यार, तो फिर मेरा भी देखो, मैं तो अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। एक हमारे ऊपर जो महाराज चढ़े थे वो चढ़ के उतर गए, और हम लोग ऊपर चढ़े ही नहीं। प्यास की तलाश में कैसा घूम रहा है बंदा, वो भी इतना बड़ा पहाड़ चढ़ के, इतना बड़ा पहाड़ चढ़ के। अंकल कहाँ से लेके आते इतनी एनर्जी आप? बच्चे आजकल पबजी में परेशान है, घर में से नहीं कर रहे, और आप यहाँ पे आके एक्सरसाइज कर रहे, डेली आते हो आप? ये आपको एक शॉट बताऊंगा मैं कि इंजमाम ने अभी पत्थर जमाए, पत्थर जमा के खेल रहे थे, ये देखिए पत्थर। लास्ट वाला बाकी देख रहे आप पत्थर, ये हमारे भाई जो है इनको, हाँ ये रख दिए, ये देखिए अभी यहाँ पे छोटा पत्थर, उसके ऊपर बड़ा पत्थर, ये पत्थर, मतलब लगी कुदरत, पहाड़ जो है, पहाड़ जितना ऊपर रहता ना उतना नीचे भी रहता। अब लोग देखने वाले बोल रहे होंगे पहाड़ नीचे कैसा रहता, तो ये जाके आप दुबई के शेख से पूछो, पहाड़ नीचे था और पहाड़ हटा के कैसा उसने पानी निकाला दुबई में। तो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि पहाड़ जितना ऊपर है ये इतना ही जमीन के नीचे भी होता है, और ये एज अ हुक काम करता है, मतलब हुक यानी कि आपको एक मिसाल दूंगा मैं, डिसबैलेंस नहीं होना इसलिए कि कीला, जैसा कीले को हम ठोकते हैं कोई चीज को जगह पे फिट करने के लिए, पहाड़ को कीले के जैसा यूज किया है बोल सकते हैं आप। देखिए अल्लाह की कुदरत माशाल्लाह। और मैं आपको बताना चाहूंगा हमको जल्दी नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी लोग हमी से पहाड़ पे से उतरने वाले, हम गिरे तो कोई बचाने वाला नहीं और हमको कोई रास्ता बताने वाला नहीं। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।